देश में कुछ तिथियों का विशेष महत्व होता है, वो भी खासकर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में। उसी में एक तिथि है 23 अप्रैल। वही 23 अप्रैल जिस दिन बाबू कुंवर सिंह ने लीग्रैंड को पराजित कर जगदीशपुर को पुनः स्वतंत्र किया था, इसलिए प्रतिवर्ष इस तिथि को विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुंवर सिंह को बाबू साहब और तेगवा बहादुर के नाम से संबोधित किया जाता है। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के एक क्षत्रिय जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह एक साधारण किसान थे। वे अंग्रेजी सरकार के प्रति विश्वास पात्र बने, जिसके कारण उन्हें भोजपुर जिले की जमींदारी मिली थी। उनके पिता राजा साहेबजादा सिंह के निधन के बाद 1826 में कुंवर सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। उनके राज्य में शाहबाद जिले के दो परगना और अनेक तालुके सम्मिलित थे। कुंवर सिंह जी के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। 27 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी से विद्रोह कर आए सैनिकों ने बाबू वीर कुंवर सिंह का नेतृत्व स्वीकार किया। आरा हाउस, जिसमें अंग्रेज छिपे थे, उसे घेर लिया गया। अंग्रेजों की रक्षा हेतु 29 जुलाई को डनबर के नेतृत्व में दानापुर से सेना भेजी गई। युद्ध में डनबर मारा गया। डनबर के मारे जाने की सूचना मिलने पर मेजर विजेंट आयर, जो स्टीमर से प्रयागराज जा रहा था, बक्सर से वापस आरा लौटा और 2 अगस्त को चर्चित बीबीगंज का युद्ध हुआ। आरा पर नियंत्रण के बाद आयर ने 12 अगस्त को जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया। 14 अगस्त 1857 को जगदीशपुर हाथ से निकल जाने के बाद कुंवर सिंह ने अपने 1200 सैनिकों को लेकर एक महाअभियान पर निकल पड़े। रोहतास, रीवा, बांदा, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ होते हुए 12 फरवरी 1858 को अयोध्या और 18 मार्च 1858 को आजमगढ़ से 25 मील दूर अर्तौलिया नामक स्थान पर जाकर उन्होंने अपना डेरा डाला। उनके काफिलों में 1000 सैनिक और 2500 समर्थकों के होने का उल्लेख मिलता है। आजमगढ़ आने का उनका उद्देश्य शत्रु को पराजित कर प्रयागराज और बनारस पर आक्रमण करते हुए अपने गढ़ जगदीशपुर पर पुनः अपना अधिकार स्थापित करना था। बाबू कुंवर सिंह छापामार युद्ध में काफी निपुण थे, इसलिए 8 माह तक अंग्रेजों का उन्होंने मुकाबला करना मुनासिब नहीं समझा। अंग्रेजों को जब उनकी योजना का पता चला तो तुरंत मिलमैन 22 मार्च को सेना लेकर मुकाबले के लिए आया और वीर कुंवर सिंह ने उसको चकमा देकर उसी पे आक्रमण कर दिया। मिलमैन की मदद के लिए आए कर्नल डेम्स को भी 28 मार्च को हार का सामना करना पड़ा। मिलमैन और डेम्स की फौज कुंवर सिंह की फौज से पराजित हो चुकी थी। इस पराजय से बेचैन लॉर्ड कैनिंग ने मार्क केर को युद्ध के लिए भेजा। 500 सैनिकों और 8 तोपों से सुसज्जित मार्क केर की सहायता हेतु सेनापति कैंपवेल ने एडवर्ड लगर्ट को भी आजमगढ़ पहुंचने का आदेश दिया। तमसा नदी के तट पर हुए इस युद्ध में लगर्ट पराजित हुआ। लगातार हार से घबराई अंग्रेजी हुकूमत ने सेनापति डगलस को भेजा। नगई नामक गांव के पास डगलस और कुंवर सिंह की सेना के बीच भारी संघर्ष हुआ। डगलस भी कुंवर सिंह को पकड़ने में नाकाम रहा। 21 अप्रैल 1858 को बाबू साहब शिवपुर घाट होकर गंगा नदी पार करने लगे। तभी किसी अंग्रेजी सैनिक की गोली बाबू साहब को लग गई। तब उन्होंने कटी बाह को गंगा में प्रवाहित कर दिया। 22 अप्रैल को अपने 2000 साथियों के साथ जगदीशपुर में प्रवेश किया। बाबू साहब ने बाएं हाथ से तलवार खींचकर घायल दाहिने हाथ को खुद एक बार में कोहनी से काटकर गंगा में फेंक दिया, जिससे भयभीत होकर अंग्रेजी सेना बाबू साहब का पीछा करने तक का भी साहस नहीं जुटा पाई। बाबू साहब के जगदीशपुर पहुंचने की सूचना मिलने पर 23 अप्रैल को कैप्टन लेग्रेन ने आधुनिकतम एनफील्ड राइफल और तोपों के साथ आक्रमण किया, मगर वो युद्ध में मारा गया। शरीर में जहर फैल जाने के कारण 26 अप्रैल को बाबू साहब स्वर्ग को चले गए। बाबू वीर कुंवर सिंह के स्वर्गारोहण के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने जगदीशपुर की स्वतंत्रता बचाए रखी। 15 अगस्त 1857 से लेकर 10 फरवरी 1858 के मध्य में बाबू कुंवर सिंह ने अपनी अविराम स्वतंत्र चेतना से युक्त स्वाधीनता की अग्नि को प्रज्वलित रखी। कुंवर सिंह जी के वंशज उज्जैन के परमार वंश के क्षत्रिय थे। इसी वंश के राजा भोज ने भोजपुरी बोली का विकास और विस्तार किया था, अतः वे भोजपुरी भाषी कुंवर सिंह के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने हेतु कटिबद्ध थे। 17 अक्टूबर 1858 को जब अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर सभी दिशाओं से आक्रमण किया तो महल की 150 स्त्रियों ने शत्रु के हाथ में पड़ना गंवारा ना किया और तोपों के सामने आकर खड़ी होकर ऐहिक जीवन का अंत कर लिया। ऐसे वीर योद्धा की प्रशंसा अंग्रेज भी करते थे। देश के लिए इनका त्याग और बलिदान अवर्णनीय है। आज कुंवर सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें प्रणाम अर्पित है।